क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का काउंटडाउन शुरू हो गया है और टीम इंडिया का सिलेक्शन भी फाइनल हो गया है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि हमें अब बल्लेबाजी मजबूत करनी ही होगी और इसीलिए एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाएंगे। गेंदबाज की कीमत पर बल्लेबाज को खिलाया जा रहा है और नंबर 9 तक विशुद्ध बल्लेबाजी रखने का प्लान है, जिसके बाद बॉलर्स को बाहर किया जा रहा है। अब इसे कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा जुआ कहा जा रहा है। तो बताते हैं आपको, दिखाते हैं क्या है रोहित शर्मा का जुआ, क्या लिए गए हैं रोहित की तरफ से फैसले, क्या होने वाली है भारत की टीम दूसरे टेस्ट मैच के लिए। आप भी इस टीम पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो 2 फरवरी की सुबह 9 बजे टॉस होगा, 9:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। अब टीम का ऐलान तो रोहित शर्मा टॉस के वक्त ही करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि रोहित ने मैच शुरू होने से एक दिन पहले ही बता दिया है कि उनका प्लान क्या है, उनकी टीम क्या होने वाली है, वो हम आपको बताते हैं। ओपनर्स की बात करते हैं तो यहां पर कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आएंगे और इन दोनों को ही अब रन बनाने होंगे, दोनों को ही बड़ी पारियां खेलनी होंगी। खासतौर पर कप्तान रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीदें। नंबर 3 पर कई तरह के किंतु परंतु के बाद फाइनली शुभमन गिल की जगह बच गई है, लेकिन गिल का यह आखिरी मौका हो सकता है। 4 नंबर पर विराट कोहली पहले से टीम में नहीं है, केएल राहुल भी बाहर हो गए, लिहाजा श्रेयस अय्यर को यहां पर प्रमोट किया जाएगा और अय्यर नंबर 4 पर खेलेंगे। और अब बात करते हैं इसके बाद की, यानी कि बदलाव की। तो 5वें नंबर पर पहला बदलाव होगा और वो होंगे रजत पाटीदार। जी हां, केएल राहुल की जगह पर पाटीदार टीम में आएंगे और पाटीदार का यहां पर टेस्ट डेब्यू होगा और रजत पाटीदार काफी अच्छे और शानदार फॉर्म में। अगला नंबर भी आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि नंबर 6 पर खेलने आएंगे लंबे समय से इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे सरफराज खान। जी हां, सरफराज को भी डेब्यू का मौका मिल रहा है, क्योंकि नंबर 6 पर खेलने वाले जडेजा टीम से बाहर हैं और जडेजा की भरपाई करना न बल्लेबाजी में ना ही गेंदबाजी में आसान है और इसीलिए जड्डू की जगह पर सरफराज के रूप में विशुद्ध बल्लेबाज को यहां पर खिलाया जा रहा है, जो कि नंबर 6 पर आकर बल्लेबाजी करेंगे। इसके बाद 7वें नंबर पर आएंगे केएस भरत। विकेट कीपर की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं है और भरत के हाथों में ही ग्लव्स रहेंगे, लेकिन हां, भरत को अब रन भी बनाने होंगे। 8वें नंबर पर खेलने आएंगे अक्षर पटेल, जो कि एक और अच्छे बल्लेबाज हैं और जडेजा के नहीं रहने पर अक्षर पटेल के पास और ज्यादा जिम्मेदारी होगी बल्लेबाजी की भी और गेंदबाजी की भी। नंबर 9 पर खेलने आएंगे रवि अश्विन, जो कि टेस्ट मैचों में 5 शतक लगा चुके हैं, टेक्निकली बेहद मजबूत बल्लेबाज है। जी हां, नंबर 9 तक विशुद्ध बल्लेबाजी रखी जा रही है, क्योंकि एक गेंदबाज को यहां पर कम किया गया और वो कम होने वाले गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने करीब 170 ओवर दोनों पारियों में गेंदबाजी की, लेकिन इसमें सिराज ने दोनों पारियों को मिलाकर सिर्फ 11 ओवर ही बॉल डाली। लिहाजा एक खिलाड़ी का एक स्लॉट का सिर्फ मिसयूज हुआ है और इसलिए बड़ा फैसला कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से लिया गया है, एक गेंदबाज यानी कि सिराज को कम करके एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाया जा रहा है। और यहां पर मोहम्मद सिराज की जगह पर टीम में आएंगे कुलदीप यादव। जी हां, कुलदीप की भी फाइनली एंट्री हो रही है और लेग स्पिनर कुलदीप को खेलने का मौका मिलेगा और कुलदीप यहां पर एक्स फैक्टर ला सकते हैं टीम इंडिया के लिए, विकेट्स निकालने में उनका कोई सानी नहीं है। और वहीं जसप्रीत बुमराह टीम के 11वें खिलाड़ी और एकमात्र तेज गेंदबाज होंगे, यानी कि सिर्फ एक तेज गेंदबाज होगा और 3 स्पिनर यहां पर खेलेंगे। और इसका यह भी मतलब है कि सौरभ कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, जिनको स्क्वाड में तो शामिल किया गया है, लेकिन फाइनली फिलहाल दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में जगह उनको नहीं मिल रही है। तो अभी टीम बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है, जिसमें 9 नंबर तक विशुद्ध बल्लेबाज हैं। 9 नंबर पर 5 शतक वाले अश्विन आएंगे, तो वहीं 3 स्पिनर्स के साथ फिर से टीम इंडिया मैदान में उतरने जा रही है। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।